थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग दिस इवेंट. आई होप आप घर पे जा रहे हो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जल्दी से घर पे पहुंच जाइए. और जितने भी दोस्त हमारे स्क्रीन पे, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सबकी हेल्थ परफेक्ट होगी, आपके घर के अंदर सब लोग हेल्दी होंगे, और अभी जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसका कहीं भी साया आपके घर में नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट. तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं खेती विषय के प्रोडक्ट की. मतलब आज हम जो टॉपिक लेके यहाँ पे आए हैं जो बहुत ही लोगों के हार्ट के करीब होगा डेफिनेटली, और हमारी इंडियन इकोनॉमी के हार्ट के करीब तो डेफिनेटली. चलो तो जितने भी यहाँ पे गेट जुड़े हुए आज स्क्रीन के ऊपर, हो सकता है इसी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट जिसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम है, बहुत सारे आपके रिलेटिव और दोस्त लोग इसको जाने पहचाने, और आपने सबको कनेक्ट किया होगा यहाँ पे. तो हमारे जूम के माध्यम से कुछ लोग कनेक्टेड है, कुछ यूट्यूब के माध्यम से कनेक्टेड है. तो दोस्तों आज यहाँ पे जो बात होने वाली है वो आपके फायदे की बात है, और आपके आने वाले सालों के अंदर इसी प्रोडक्ट के थ्रू बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. और इसी प्रोडक्ट के संपर्क हम आए थे ऐसे करीब 17-18 साल पहले, और बिलीव मी यही प्रोडक्ट ने हमारी जिंदगी बहुत हद तक बदल दी है, जो खेती बाड़ी की प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आपसा. कुछ और बातें करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और आज के टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, राइट. मेरा नाम प्रवीण पटेलिया है, और वैसे मैं एक कंपनी के साथ पीछे 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ सिंस 2003, और उससे पहले मैं एजुकेशन वाइज मैंने बी मैकेनिकल किया है, इंजीनियरिंग मैंने किया था अहमदाबाद से, फिर मैंने MBA किया बड़ौदा से. एजुकेशन के हिसाब से अच्छी एजुकेशन ली थी मैंने, और उसी कारण मेरी शुरुआत हो चुकी थी गवर्नमेंट जॉब में 1996 में. आई वॉज वर्किंग एज ए इंजीनियर इन GEB, और मैं कहता था दोस्त मेरे फैमिली में दोस्त हमारी खेती बाड़ी ये छोटी मोटी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी परवरिश और कह सकते मैं जो भी अभी तक के मेरे जितने भी साल गए, कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ गांवों के साथ, खेती बाड़ी के साथ, और अल्टीमेटली एक ऐसी प्रोडक्ट आ गई जो मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और मेरी जिंदगी को बदलने के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट जो भी खेती बाड़ी की प्रोडक्ट थी. कैसे मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरा पूरा बचपन एक बहुत ही छोटे से गांव से गया है जहां पे मेरे पेरेंट्स टीचर हुआ करते थे, और बीइंग अ टीचर गांव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और गांव में जितने भी फार्मर्स रहते थे खेती बाड़ी उनकी रहती थी, तो हर जगह पे हमारा एक्सेस होता था. मतलब कहीं भी हम जा सकते थे, हम लोग बचपन में छोटे से थे तो मजे लेने के लिए खेतों में जाया करते थे, उनके साथ काम करते थे, ट्रैक्टर्स में बैठना, बैलगाड़ी में बैठना, जब ब्लॉगिंग होता है उसके ऊपर मतलब उसके साथ साथ घूमना, ये सब हमारी कैसे मेरी मनपसंद की चीजें थी. ये सब तो खेती बाड़ी के साथ कनेक्टेड उस हिसाब से थे, और हमारी खुद की जो खेती बाड़ी थी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं थी, लेकिन जो भी घर में हुआ करता था उसको छोटे से खेतों में, तो मैं देखता आया था कि बहुत ही रुचि रहती थी मेरी पहले से उसमें. इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा GEB में, तो कस्टमर सेंट्रिक मेरी जॉब होने के कारण हम लोग का नाता रहता था हमारे फार्मर्स के साथ, जिनको हम लोग को कनेक्शन देना पड़ता था, उनकी खेती को देखना पड़ता था, उनको कौन सी पानी के लिए उनको कहाँ पे उनको मोटर चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाके इस तरह से हम लोग जुड़े हुए थे. और मुझे इतना पता था कि क्लोज टू द नेचर जो होते हैं लोग, उनके हेल्थ, उनकी वेल्थ और उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है. तो मैं जितने भी यहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, मैं डेफिनेटली आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ. और आज यहाँ पे लेकिन जो बात मैं आपको करने वाला हूँ वो आपको दिल को छू जाने वाली बात है, और कहीं ना कहीं जाके जो पेन आपका है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ. क्या देखा है मैंने इतने टाइम में, मैं अपने जब खेती बाड़ी वाले लोगों के साथ कनेक्ट होते होते हमारे खेतों में जाते जाते मुझे मैंने ये देखा है कि अभी के माहौल में देखा जाए तो विज्ञान तरक्की कर रहा है बहुत, हर जगह पे तरक्की दिख रही है, लेकिन अगर डीग्रोथ कहां पे दिख रहा हो तो मुझे इतना लगता है दोस्त खेती बाड़ी के एरियाओं में, अगर भारतवर्ष की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, तो हमारी पूरी इकोनॉमी फार्मिंग पे टिकी हुई है. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे स्क्रीन पे है कहीं ना कहीं फार्मिंग के साथ कनेक्टेड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब सोच के देखिए हमारी पूरी इकोनॉमी इनफैक्ट हमारी फार्मिंग के साथ कनेक्टेड है, और हम लोग आज जिस प्रोडक्ट के बारे में इनफैक्ट आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो इसीलिए हर व्यक्ति को स्पर्शने वाली प्रोडक्ट होगी. लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है दोस्त, साइंस का, विज्ञान का, इक्विपमेंट का तरक्की होता गया, लेकिन हमारे हर खेतीबाड़ी वाले इंसान यही कहेंगे कि यह खेती मतलब एक घाटे का सौदा है. शायद यही कहेंगे खेती मतलब घाटे का सौदा है, राइट.
आगे मैं कुछ बात करूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं सबको, क्या मेरा आवाज क्लियर है और मेरा स्क्रीन क्लियर है? आप चैट कर सकते हो, मेरा आवाज और स्क्रीन क्लियर है, चैट करके आप डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच हार्दिक भाई, थैंक यू नारायण भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अ लॉट, राइट फाइन। कुछ हमारे दोस्तों का अगर मैसेज आता है कि कहीं पे आवाज की क्लियरिटी नहीं है, तो शायद दोस्तों प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए और सही नेटवर्क वाली पोजीशन पे बैठ जाइए, सो दैट आपको सही आवाज सुनने को मिले और पिक्चर देखने को मिले, राइट। क्योंकि आज मैं यहाँ पे बात भी करने वाला हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन पे ले जाने वाला हूँ, और स्क्रीन पे ले जाऊंगा उसकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको देखना पड़ेगा सही ढंग से, राइट। चलिए दोस्त, ज्यादातर लोग अभी ये कहते हैं कि खेती मतलब घाटे का सौदा है, और डेफिनेटली ये है आज, क्योंकि अभी पूरा आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, पहले कुछ नियंत्रण रहता था, लेकिन आप सब कुछ घाटे में चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त? और अगर उसी घाटे में से कुछ अच्छी बातें हमें आज सुनने को मिले जो हमारी खेती बाड़ी को काम में लगे, तो क्या अच्छा होगा? शायद आपके पास खेती नहीं है, तो क्या आप किसी और को बताओगे तो उनके लिए अच्छा होगा? और अगर उनके जिंदगी में अगर खुशी आएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली हाँ। और अगर आप किसी प्रोडक्ट साथ के साथ बिजनेस साथ कनेक्टेड है, तो क्या इससे आपका बिजनेस का भी डेवलपमेंट हो सकता है? मतलब विन विन सिचुएशन वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं जो बात करने वाला हूँ, मतलब एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर अभी देखा जाए तो लोगों को तकलीफ देने वाली है। अभी हमारे एक छोटा सा मैं सबसे पहले स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और उससे मैं बात करने की शुरुआत करूंगा, राइट, फिर मैं अपने बोर्ड पे जाता हूँ। अभी आज अगर बात करें हम लोग, हमारे खेती बाड़ी जितने भी लोग करते हैं, खेती बाड़ी जितने भी लोग हमारे करते हैं, उनके लिए सबसे दिक्कत की बात अगर देखी जाए, यहां पर कहते हैं आजकल खेती बाड़ी की आधुनिक तरीके होने लगी है, फिर भी हमारे किसानों को उतनी मेहनत की सही कीमत नहीं मिलती है, और कुछ समय से खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। ये फीलिंग आज हमारे हर खेती बाड़ी वाले लोग सोच रहे होंगे, दरेक खेडूत मित्रों ने इलाके से ना हवे जो काम करिए आपने शायद बरोबर नहीं, राइट। तो हम लोग किसी और को देख के हम लोग खेती छोड़ के बिजनेसेस में, या फिर खेती छोड़ के हम लोग जॉब में चले जाते हैं, राइट। क्योंकि अभी हर व्यक्ति ये फील कर रहा होगा कि खेती अच्छी नहीं लग रही है मुझे, राइट। देखो चेंज क्या आया है मैं आपको बताऊंगा, और दिक्कतें कौन सी आ रही है। सबसे पहले दिक्कत यहाँ पे जो मैंने आपके स्क्रीन पे रखी है, अभी धीरे धीरे करते करते हमारी जमीन जो पहले जैसी सॉफ्ट नहीं रही, जमीन का हार्ड यानी ठोस होते जाना, ये बहुत दिक्कत वाला चीज है, क्योंकि इसी से हमारे हर खेती बाड़ी वाले लोगों को दिक्कतें आ रही है। दूसरी चीज बिजली की कमी अभी महसूस कर रहे हैं हम लोग। तीसरी चीज पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। चौथी कीटनाशक व खाद का सही उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है। पांचवी चीज कृषि यंत्रों का जल्दी जल्दी खराब हो जाना, वो हमारे लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। और छठी चीज फसल में बांझपन का रोग आना। अभी कहीं ना कहीं ये सब आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट, कि अगर जमीन का हार्ड है मतलब क्या हो गया, हार्ड क्यों हो गई हमारे जमीनों में? पहले जो हम लोग देखते थे कि कैचुए या फिर अर्थवॉर्म्स, जिसको हम लोग गुजराती में अड़सिया कहिए छे, अभी आपके जमीन में दिखते नहीं है। उनका काम क्या होता था, नीचे की जमीन को ऊपर ले आना, ऊपर की जमीन को नीचे ले आना, और जमीन को सॉफ्ट रखना, लेकिन आज नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस बदला, हम लोगों ने खेती बाड़ी के अंदर जो दवाइयां जो खाद का यूज करना शुरू किया, उनका नाश हो गया, और अभी हमारी जमीन इतनी हार्ड होगी। दूसरे क्या होता है दोस्त, हमारे छोटे मोटे बैल तो काम ही नहीं करते, छोटे मोटे ट्रैक्टर्स काम नहीं करते, अभी हमें हैवी पावर वाले ट्रैक्टर्स लाने पड़ रहे हैं, जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है और जिससे हमारा डीजल की भी खपत बढ़ रही है। बिजली की कमी कितनी होती है, पहले सिर्फ कुछ लोगों को चाहिए थी, अभी हर घर में चाहिए, हर इंडस्ट्रीज में चाहिए, और खेती बाड़ी में हर रोज नई नई मोटरें जा रही है, मतलब बिजली कम पड़ रही है सबको। पानी की अगर हम लोग बात करें, तो पहले हमारे जो बोरवेल्स थे, अभी बहुत गहरा पानी जा रहा है। आप सबने अभी खेती बाड़ी के साथ आप फील कर रहे होंगे कि हमारे कुएं गहरे जा रहे, हमारे बोरवेल नई नई पाइपें डालनी पड़ रही है और पानी नीचे से खींचना पड़ रहा है हमें, राइट। कीटनाशक बहुत यूज कर करके थक गए, 2,000, 5,000, 10,000 की कीमत के जो हम लोग लेके आ जाते हैं दोस्त, हम लोग कीटनाशक या फिर हम खाद, लेकिन देखते क्या जाते हैं, उत्पादन अभी उतना नहीं मिल रहा है और नेगेटिव उत्पादन निकल रहा है अभी। कृषि यंत्रों का खराब हो जाना और फसल में बांझपन का रोग, मतलब कह सकते दोस्त, फसल के अंदर हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोगों को फल मिले, लेकिन फसल निकल आती है लेकिन फल नहीं निकलता है, उसको कहते हैं बांझपन, राइट। वांझियापन जन पर कही फल नहीं निकलता, राइट। और हम लोग ये देखते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा पौधा निकल गया हमारे खेतों के अंदर, लेकिन देखने के बाद क्या पता है उसके बीज नहीं निकले, उसके अच्छा फल नहीं निकला है, और ये हमारे हर खेती बाड़ी के साथ कनेक्टेड लोगों की दिक्कत रहती है, राइट। अभी इसके सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको,
बहुत ही फायदेमंद राइट। बिफोर दैट मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बिफोर दैट हमारे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग होंगे जिनको ये जवाबदारी दी गई है कि आप खेतों में जाओ, आप खेती बाड़ी वाले लोगों के साथ संपर्क करो और उनको कुछ बातें सिखाओ जो हमारे प्रोडक्ट के बेहतरीन फायदे क्या होते हैं। तो कुछ लोगों के शायद खेती की कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उनके लिए मैं छोटा सा एक कह सकते उनके लिए जो मैं बात करूंगा वो शायद सबके लिए काम लगेगा, लेकिन मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी खेती बाड़ी या कोई भी प्लांट पौधा होता है उसका कैसे भी पनपता है, वो थोड़ा सा हमें जानना बहुत जरूरी है राइट, एकदम बेसिक्स। तो आप सबको शायद पता होगा कि हम कोई भी चीजें जमीन के अंदर बोते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर बीज के रूप में हमने बोया तो धीरे धीरे करते क्या होता है, नीचे से उनके रूट्स निकलना शुरू होते हैं और ऊपर से अंकुरित होता है, वो छोटा सा अंकुर निकलता है राइट, और धीरे धीरे करते करते क्या होता है, यह अंकुर बड़ा पेड़ बनना शुरू होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, पेड़ के ऊपर पत्ते लगते हैं राइट। अगर पत्ते लगते हैं ऐसे पर कहीं ना कहीं जाके तो उसके ऊपर फूल लगेगा, और सही ढंग से अगर देखा जाए तो अगर इसका विकास सही ढंग से होगा, ग्रोथ होगा, तो अल्टीमेटली फूल में से बीज निकलते जाएंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया राइट, अभी इसका हमें यह देखना है कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई। अगर किसी अच्छे खेती बाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर काम करेंगे, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जमीन राइट, लैंड। कैसी जमीन होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे भुरभुरी होनी चाहिए, ऐसे सॉफ्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जिसकी पीएच वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जो नमी सोखे रखे। अगर हमारी जमीन अगर सही नहीं है तो शायद ये पौधे के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जमीन अगर नमी है, भुरभुरी है, अगर हार्ड नहीं है, तो उससे क्या होगा, ये हमारे जो पौधे के जो रूट्स है वो अच्छे ढंग से फैल पाएंगे सबसे पहला राइट। दूसरी चीज क्या होगा, जब बीज हमने बो दिया है अगर जमीन सही है तो अंकुरित सही ढंग से बाहर निकल आएगा। अगर ये जमीन अगर कठिन मतलब हार्ड हो चुकी है, जमीन की पीएच वैल्यू सही नहीं है, तो क्या होगा दोस्त, ये बीज को फूल नहीं लेगी, बीज को निकलने ही नहीं देगी। अगर हार्ड जमीन है, पीएच वैल्यू अगर सही नहीं है, तो इसके रूट्स को खा जाएगी, जो सॉल्ट है वो हमारे रूट्स को खा जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ये पौधा निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले निर्णायक चीज कौन सी है, आपकी जमीन कैसी है राइट। दूसरी चीज हमारी होती है दोस्त, जब भी हम पौधे का अगर बड़ा हुआ देखते हैं तो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है कि जो रूट्स हमारे जो जमीन के अंदर गए हैं तो करीब करीब ऐसे कह सकते हैं दोस्त, एक से डेढ़ कह सकते 12 से 16 इंच तक ये रूट्स हमारे जाएंगे। अगर हम लोग किसी क्रॉप्स की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, जहां पे हम लोग सब्जी फल वगैरह हम लोग जो उगाते हैं उसकी बात कर, बड़े पेड़ की बनी बात कर रहा हूँ राइट, तो हमारे करीब करीब 1 से 1.5 फीट के तक हमारे ये रूट्स जाएंगे। और रूट्स को शायद आपके साइंस वगैरह में पढ़ा हो तो कहते हैं रूट्स एक ऐसा होता है जहां पे एक टैप रूट होता है जो मेन हो, जो हमारे प्लांट को पकड़ कर रखता है, और दूसरे ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के ऊपर छोटे 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 ऐसे मूल निकला करते हैं, उसको कहते हैं तंतु मूल। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये रूट्स का, कि हमारे खेती वाले एरिया में ये लैंड के अंदर जितने भी पोषक तत्व है हमारे इस पौधे के लिए, उसको यहाँ पे वो लोग चूसेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे बेच देंगे, जिसके कारण इसका ग्रोथ बढ़िया सा होगा। किसका काम है, हमारे रूट्स का। वो क्या यहाँ से एब्जॉर्ब क्या करेंगे, यहाँ पे मिनरल्स होंगे वो राइट, इनको नाइट्रोजन चाहिए, इनको मिनरल्स चाहिए, इनको विटामिन जो भी चाहिए वो कहाँ पे, हमारे जमीन में है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो मिनरल्स विटामिन ज्यादातर नाइट्रोजन वगैरह होते हैं वो बहुत डेप्थ में होते हैं, तो हमारा पानी जब भी नीचे जाता है तो उसको लेके ऊपर आता है, और इसीलिए जो बहुत सारे फार्मर्स ने आपने सुना होगा वो प्लाव लगाते रहते हैं, प्लाव राइट, क्या करते हैं नीचे वाली जमीन ऊपर लाएंगे, ऊपर वाली नीचे ले जाएंगे, मतलब जिसके कारण क्या होगा, ये मिनरल्स सही ढंग से इस जमीन के अंदर रहा करें। आगे जाके क्या होता है दोस्त, अभी जब हमारा पौधा बढ़ना शुरू होता है तो उसके बाद दिक्कतें शुरू होती है हमारे फार्मर के लिए। क्या दिक्कतें शुरू होती है, तो एक दिक्कत यह आती है कि इसके ऊपर कीट लगना शुरू होते हैं राइट, अटैक होता है कीट का, जैसे ही बड़ा होता है इसके पन्ने खा जाएंगे, फूल खा जाएंगे, फल खा जाएंगे, तो क्या करना, इसको नियंत्रित करने की बहुत जरूरत होती है। अभी यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन की जरूरत है जो जमीन से मिलता है उनको, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में जमीन के अंदर मिनरल्स विटामिन सभी नहीं रहते तो यहाँ पे और ज्यादा ये प्लांट को सही ढंग से ग्रो करने की जरूरत क्या कौन से रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं खाद, खातर, जैसे आप लोग गुजराती में कहिए छे मैन्यूर राइट, इसकी जरूरत पड़ती है जो हम लोग इसको देंगे जो ऊपर तक आएगा। फिर यहाँ पे हमने बताया कि अगर एक कीट लग जाएंगे तो उसको निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें,
दवाइयां, राइट, दवाइयां की जरूरत पड़ेगी। अभी यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर मुझे अगर सही ढंग से किसी पौधे को ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा क्या चाहिए, जमीन चाहिए। अगर अच्छी जमीन नहीं है तो क्या करनी पड़ेगी, मुझे उसको अच्छी करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ पे कुछ क्या नाम आते हैं, मिलर आते हैं। अगर वो मिलर विटामिन, अगर मिलर विटामिन अगर मैं कहता हूं, अगर मिलर विटामिन, आई होप जस्ट अमीरा क्यों भी आ रहा है, जस्ट अमीर दोस्तों मंतु मरोगे क्या प्लीज, आई होप हाँ अभी नहीं आ रही है, वंडरफुल, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, ओके फाइन। चलिए देखो मैं बेसिक्स के ऊपर गया, राइट, बेसिक्स ऊपर गया, मतलब आवाज आ रहा है, देखो तो हाँ मैं बेसिक्स के ऊपर गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अच्छी जमीन चाहिए। अभी जमीन धीरे धीरे बिगड़े, मैंने पहले कुछ आपको पॉइंट्स दिखाए। हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, मिनरल्स विटामिन सी, अगर वो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें खाद डालना पड़ेगा। खाद हम लोग कौन सा डालते हैं, दो तरह का हम लोग कहते हैं, रासायनिक खाद, राइट, हम डालते हैं रासायनिक खाद डालते हैं, और दूसरा कौन सा डालते हैं, ऑर्गेनिक सेंद्रीय खाद वगैरह, राइट। तीसरी चीज हमें चाहिए क्या है, कीटों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, दवाइयां चाहिए। अभी ये सब चीजें हमारे खेती बाड़ी वाले लोगों को बहुत ही सही ढंग से पता है, लेकिन मैंने एक इसलिए बताया कि हमारे कुछ ऐसे लोग जिनको मार्केट में जाके लोगों को दिखाना है कि भाई हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे काम करती है, तो अभी हमारी ये प्रोडक्ट है वो एक अलग किस्म की प्रोडक्ट है। आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, एक लिक्विड की बात कर रहा हूँ जो खुद एक मेडिसिन नहीं है, दवाइयां नहीं है खेती बाड़ी के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आपसा 80। अभी आपसा 80 हमारे ये पूरे प्रोसेस में हर जगह पे काम करेगी। हाउ अबाउट दैट, कैसा लगेगा आपको, क्योंकि हर जगह पे जहां पे हमारे पौधे को ऊपर उठने के लिए जो चाहिए वो हर जगह पे उसको सपोर्ट करेगी। यहां तक कि अगर एनवायरमेंटल अगर अटैक इसके ऊपर होता है, कहते कीटों के अलावा भी, राइट, जैसे हमारे खेत के अंदर एनवायरमेंटल अटैक क्या होता है, फफूंदी कहते हैं दोस्त, फंगस लग जाती है हमारे खेतों के अंदर, फंगस होती है हमारे पौधों को, फंगस लग जाती है, वो कीटों के अलावा की बात कर रहा हूँ। हमारे जमीन के ऊपर हमें पौधे उगाने के साथ में और क्या उगता है, खतपतवार, एक्स्ट्रा वीड्स उगते हैं, खतपतवार कहते हैं उसको, राइट, वीड्स उगते हैं, उसको भी बाहर निकालना पड़ता है। फिर हमारे ठंडी के मौसम में और क्या होता है दोस्त, जिसको हम लोग ठार कहते हैं, ओस की बूंदे कहते हैं, राइट, जिसको पाल कहते हैं, तो क्या होता है दोस्त, हमारे पत्तों के ऊपर लग जाता है और हमारे पत्ते बिगड़ जाते हैं। अभी ये हर जगह पे अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपको हेल्प करेगी तो क्या हमारी खेती बाड़ी की उत्पादन में बढ़ावा हो सकता है, डेफिनेटली हाँ, राइट। और मैं आपको जो बात करने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट का नाम है APSA 80, राइट, इसको कहते हैं ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट, और 80 जो है इसको बोलते हैं बहुहेतुकीय कार्य शक्ति वर्धक, और इसके अंदर 80% क्रियाशीलता वर्धक वाला एडजुवेंट डाला हुआ है। तो इससे फायदा क्या क्या होगा, मैं अभी पीपीटी से आपको, पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, फिर जाके मैं यहाँ पे आपको इसका कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा और इसके डेमोस्ट्रेशन भी बताऊंगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड, अगर आप बैठे हो और आपकी खेती बाड़ी की प्रोडक्ट है तो ये पूरा सेशन सही ढंग से देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा अभी टाइम पीरियड है जहां पे इसकी जरूरत आपको और मुझे 100% है, और इसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी इसकी कितने अच्छे फायदे हो सकते, राइट। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पे आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं वंस अगेन, और वन बाय वन मैं यहां पे फोटोज मूव करता जाऊंगा और उसी हिसाब से आपको इतना पता चल जाएगा, अरे बाप रे इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, आज तक मेरे हाथ में क्यों नहीं आई, आज तक इसकी इंफॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं मिली थी, क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि दुकानों में बिकने वाली ये प्रोडक्ट नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है वो व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है कहाँ से ले आ सकते हो, राइट। चलिए दोस्तों वन बाय वन हम लोग यहाँ पे कुछ देखते जाते हैं सही ढंग का।
अभी देखे दोस्त, सबसे पहले जमीन का हार्ड यानी ठोस होते जाना वो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत ला सकता है, राइट? हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत लाता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि जस्ट अ मिनट प्लीज, देख लेते जाए। अभी देखिए दोस्त, जमीन का बहुत ही हार्ड हो जाने से हमें दिक्कत क्या हो सकती है? सबसे पहले देखो, अगर मेरी खेती बाड़ी की जमीन अगर बहुत ही सॉलिड हार्ड और मजबूत हो चुकी है कि जेना कारण तकलीफ शू थी सके बने, अब देखना सबसे पहले जिससे पानी जमीन के अंदर व गहराई तक नहीं जा पाता है, बारिश हो गई आपने पानी डाल दिया, वो अगर पानी जमीन के गहराई तक नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्त, वो पानी ऊपर का ऊपर रह जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा और हमारी जमीन की नमी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। दूसरा, हमारी जमीन बहुत हार्ड है उससे क्या हो जाएगा, उसको अगर हल चलाना है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, बहुत मजबूत ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पैसा ज्यादा खर्च होगा, और अगर जमीन बहुत सख्त हो चुकी है तो हमारा डीजल का खपत भी ज्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, बारह बारी गहरी जुताई यानी प्लाउ से जमीन को पलटा करवाना पड़ता रहेगा। जब प्लाउ हम लोग करवाते हैं उसका खर्चा बहुत होता है, आप सबको पता होगा, मुझे भी पता है दोस्तों, ये बहुत ही जटिल समस्या है। बीज के अंकुरण होने में दिक्कत आएगी, अगर जमीन बहुत कठिन है, हार्ड है, तो अंकुरण जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा और अंदर ही अंदर मर जाएगा। फर्टिलाइजर जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाते, अगर फर्टिलाइजर जमीन के अंदर नहीं पहुंचेंगे इसका मतलब ये है कि उसका फायदा मेरा प्लांट नहीं ले पाएगा। और जब छठी चीज, पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं पहुंचती है, अगर पौधा मेरा यहीं पे रह जाएगा, अगर नीचे तक नहीं जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि उसको सही ढंग से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अभी धीरे धीरे करते करते लास्ट मैंने पहले जो दिखाया था, मैंने जो दिक्कत वाला पॉइंट हमारी खेती बाड़ी में, उसमें एक चीज मैंने दिखाया था कि बाचपन का रोग। अभी बाचपन का रोग मतलब क्या, देखो मार्केट में कभी कोई भी चीज हमारे पास आती है तो उस लोगों को ये पता नहीं होता है उसका टेस्टिंग हुआ है नहीं हुआ है, कौन से वैज्ञानिक ने इसका टेस्टिंग किया, कहाँ पे इसका सर्टिफिकेट, कुछ पता नहीं होता है। और ज्यादातर लोग अभी मार्केट में स्टिकर के हिसाब से कुछ पढ़ के बेच रहे हैं, कभी कभी उसको लोग चिपकू कहते हैं, चिपका कहते हैं, राइट? मतलब हमारी दवाई को चिपकाने वाला लिक्विड, आपको पता है वो शायद आपके हर फसल को बाचपन का रोग लगा देगा। मतलब आपके जो फ्रूट्स निकलने चाहिए जो प्लांट में से, वो निकलने नहीं देगा, जो धान निकलना चाहिए उसको निकलने नहीं देगा, क्योंकि ये बाचपन जो है वो हमारे चिपकू, मतलब कैसे कहते हैं दोस्तों, जो हमारी दवाई को फिक्स करने वाला स्टिकर हम जो लेके आते हैं, ये आयनिक सर्फेक्टेंट से होता है। और आयनिक सर्फेक्टेंट क्या करता है, हमारी जो प्लांट का पूरा बिहेवियर बदल देता है। जो किसान हर दवाई के साथ मिलाकर डालता है उसमें सोडा सिलिकेट व सोडा कास्टिक होता है, और पौधों के फूल को लगते हैं पर फल नहीं लगते है, इसे बाचपन का रोग कहते हैं। और आपको शायद पता होगा कि ज्यादातर खेडूत जब भी हम लोग उनको कोई प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट के सामने हमारे पास स्टिकर्स प्रोडक्ट है वो ऐसी ही दिखती है और ऐसा ही काम करती है। दोस्तों, वो ऐसा काम नहीं करती है, वो पूरा उल्टा काम करती है। अभी आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज एप्सा 80, जो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके गुण अनेक है। किसी भी फसल में, किसी भी खेती बाड़ी में, जहां पे आप अन्न उगाते हो, जहां पे आप धान उगाते हो, सब्जी उगाते हो, फल उगाते हो, या तो वो आपके गन्ने हो, या फिर कह सकते हैं दोस्त, या तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं जाके वो आपका हो सकता है हमारा टोबैको, तंबाकू, राइट? कुछ भी हो सकता है वो, तो उससे क्या होगा दोस्त, अल्टीमेटली उससे हमारा दिक्कत क्या आएगी, अभी ये देखते जाते हैं दोस्त हम लोग। अफ्सा 80 जो प्रोडक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? अफ्सा 80 का भारत में एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों में इसका 19 फसलों का परीक्षण किया है, और हमारी जो भारत की जितनी भी केंद्र है, खेती बाड़ी के केंद्र है, उन लोगों ने सर्टिफाई किया है कि इसको यूज करने से हमें इतना फायदा हुआ। अगर सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाती है तो आपके खेतों के अंदर यूज करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ या ना? अभी यहाँ पे हमारे ये भारत
देश के अंदर इतनी जगह पे हमारी कृषि यूनिवर्सिटियां है जहां पे संशोधन होते रहते हैं, और इसी जगहों पे यहां पे इसका परीक्षण किया गया है और उसका सर्टिफिकेट दिया गया है, और उससे कितनी वृद्धि हुई, क्या हुआ, वो सर्टिफिकेट वाइज उन्होंने जो डेटा दिया है वो भी मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं आपको बात कर रहा हूं, जिसको आपसा कहते हैं, उसके 6 फायदे है। सबसे पहले गुणवर्धक है, जिसके साथ आप यूज करोगे उसके गुण बढ़ा देगी। क्रियाशीलता वर्धक है, जिसके साथ आप यूज करोगे उसकी क्रिया करने में वेग बढ़ाएगा। एक अच्छा घोलक है, अभी अच्छा घोलक मतलब क्या है, जिसके साथ इसको यूज करोगे उसका अच्छा घोल बनाएगी। और घोल बनाने की जरूरत क्या होती है, मुझे इतना पता है दोस्त, हम लोग दवाइयां यूज करते हैं पानी के अंदर डाल के, हमें लगता है दोस्तों उसका अच्छा घोल तैयार हो गया है, वो मिक्स हो गई है, लेकिन नहीं होती है दोस्त, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड लिक्विड होती है। और आपको और मुझे इतना पता है दोस्त, हर लिक्विड का, हर प्रवाही का एक अलग से उनका क्वालिटी होता है, जिसको बोलते हैं पृष्ठांबण। पानी को अगर मैं कहीं जगह पे रखता हूं तो पानी के ऊपर आपको दिखेगा वो पानी की बूंद बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पे उंगली में लगाऊंगा तो आपको दिखेगा कि बूंद बन जाएगी। पानी अगर मुझे देती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दिखता है तो एक बूंद दिखेगी आपको मेरे उंगली के नीचे, एक बूंद, राइट। अब ये बूंद मतलब क्यों बनी है, वो एक उसका एक पृष्ठांबण सरफेस टेंशन फोर्स है। अभी यही चीज जब दवाई या पानी के अंदर डालते हो उसका घोल ठीक नहीं बनता है, लेकिन ये आपसा आईडी उसका अच्छा घोल बनाने में हेल्प करेगी। अच्छा अवशोषक है, अभी अवशोषक का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन पावर इसका अच्छा है। मैंने किसी अगर पत्ते को, अगर मुझे यहाँ पे अगर कीट लगे हुए है और मैंने इसके ऊपर अगर आपसा डाल दी है, मैंने दवाई डाल दी है, लेकिन कीट तो नीचे लगे हुए हैं ज्यादातर, आपने देखा अगर खेती बाड़ी के लोग हैं उनको पता होगा कीट तो नीचे लगे हुए हैं, तो उससे क्या होगा दोस्त, अभी दवाई ऊपर पड़ी कीट नीचे मजे ले रही है, लेकिन अगर ये आपसा का हम यूज करते हैं तो वो दवाइया का पेनिट्रेट करके नीचे ले जाएगी और कीट नीचे से उसको जैसे उसके संपर्क में आएगा खत्म हो जाएगा, मजा आएगा आपको डेफिनेटली। पानी को पतला करता है, अभी पानी को पतला करने का मतलब क्या है दोस्त, कि जब ये पानी का एक बूंद गिरा रहता है तो एक छोटे से एरिया में रहती है, पानी को अगर पतला कर देंगे तो हर जगह पे पहुंच जाएगा। अगर मेरा फल, मेरा फूल या फिर मेरा पत्ता हर छोटी जगह पे पानी नहीं पहुंच सकता, अगर पतला हो जाएगा पानी और हर जगह पे पहुंच जाएगा तो हो सकता है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। छठी चीज, बाष्पीकरण को कम करता है। कोई भी चीज लिक्विड जब खुला छोड़ते तो बाष्पीभवन होता है। बाष्पीभवन मतलब क्या है, बाष्पीकरण का मतलब है कि जब आपके लिक्विड के ऊपर जब धूप या हवा गिरती है तो उसको उड़ा के ले जाती है, लेकिन अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो उसका बाष्पीभवन नहीं होगा, कितना अच्छा रहेगा। अभी देखो अपसा आईडी का उपयोग मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सॉइल ट्रीटमेंट यानी जमीन को भुरभुरा या लोचदार करने के लिए, अगर मैं अपसा आईडी का यूज करता हूं तो मेरी जमीन भुरभुरी होगी, लोचदार होगी, सॉफ्ट होगी, उसकी पीएच वैल्यू बैलेंस होगी, मैं आगे जाके उसका दिखाऊंगा, राइट। दूसरी चीज हम लोग किसमें यूज करते हैं, बीज उपचार में। अभी ज्यादातर हमने क्या देखा है, जो बीज होते हैं जिसको जो ऐसे दो मुए जो खुल जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कठोल जैसे ज्यादातर बीज, उसका अभी खेती बाड़ी के अंदर उसका उपचार, उसके ऊपर दवाइयां लगाने के बाद बोआ जाता है हमारे खेतों के अंदर, राइट। जब उसकी बोनी होती है, कब होती है, तो उसके ऊपर उपचार किया जाता है, तो आपसा उसी जगह पे अच्छे ढंग से काम करेगी। तीसरी चीज, खरपतवार नाशक के साथ आपसा का उपयोग होगा जहां पे वो बेनिफिट देगी, कीटनाशकों के साथ इसका उपयोग होगा वहां पे बेनिफिट देगी, फफूंदी नाशकों के साथ इसका उपयोग होगा वहां पे बेनिफिट देगी। सिंचाई सहायक के रूप में, मतलब अगर मेरे एक फसल को उगाने के लिए अगर 4 बार पानी रखना पड़ रहा है तो शायद मैं इसका यूज करूंगा तो 2 या 3 पानी से मेरा काम खत्म हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। और इसका सर्टिफिकेट भी हमें एक यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है कि 50% पानी का बचत करती है अगर इसको हम लोग यूज करता हो तो, राइट। अभी देखिए दोस्त, और सातवीं चीज जो है, पाला की स्थिति से हमारी फसलें जो नुकसान होता है, पाला की स्थिति मतलब क्या कहते हैं कि जहां पे ज्यादा ठंडी होती है तो हमारे मॉर्निंग आवर्स में सुबह सुबह अगर देखेंगे तो पत्तों के ऊपर ओस की बूंदे लग जाती है, गुजराती में जेने आपणे झाकड़ कहीए छीए। और कुछ ऐसे हमारे खेती बाड़ी के जो बहुत ही सेंसिटिव जो हमारे उपज होती है वहां पे अगर देखा जाएगा तो वहां पे वो उसकी बूंदे बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करती है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जीरू, अगर आपने वलियारी, ऐसी कुछ चीजें अगर आपने उगाई है और अगर उनके ऊपर ओस की बूंदे लग जाएगी
तो पत्ते मतलब कह सकते हैं जल जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। अब ये हर जगह पे हमारी आपसे आपको हेल्प करेगी, कितना अच्छा रहेगा, राइट। अभी देखिए दोस्तों, अगर मुझे सबसे पहले जमीन के अंदर इसको यूज करना है तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, एक एकड़ में 160 ml आपसे आईडी को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर, पहली बरसात अभी कह सकते दोस्तों, अभी जब बरसात आ चुकी है आप कैसे डालेंगे मैं आपको बताऊंगा। खेत की जमीन पर छिड़काव करने से फायदा क्या होगा, सबसे पहले हमारी पीएच वैल्यू मेंटेन होगी। पीएच वैल्यू शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके जमीन की पीएच वैल्यू 7 से 8 के बीच में होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं है तो हमारा जमीन के अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा, वो हमारे ये जल ये जो कहते हैं ये पौधे के मूल जो है उसको खा जाएंगे, राइट। ये पौधे के जो जो जड़ है, ये पौधे का जो रूट है उसको खा जाएगी अगर हमारे जमीन की पीएच वैल्यू अगर सही नहीं है तो। अभी अगर ये अगर आपसे अगर पीएच वैल्यू सही करेगी, दूसरी चीज क्या करेगी, पानी को गहराई तक पहुंचाएगी, पानी को अंदर तक ले जाएगी। अगर मेरा अगर बारिश गिरी है, पानी यहां तक गया है, लेकिन मुझे चाहिए 1 से 1.5 फुट तक का पानी, तो आपसे क्या हेल्प करेगी, वो पानी को अंदर तक ले जाएगी। कैसे, बाद में आप देखे, आपको जल्दी जल्दी प्लाव यानी गहरी जुताई नहीं करवानी पड़ेगी। हमने खेडूत मित्रों से पूछा है, वो लोग 2 या 3 साल के अंदर प्लाव कराते हैं, मतलब पूरी जमीन को ऊपर से नीचे करवाते हैं, उसमें बहुत खर्चा होता है। देखिए अगर आपसा यूज करते हैं तो हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी भुरभुरी होने के कारण पौधों की जड़ें गहराई तक बढ़ेगी। अगर मेरी 1 एकड़ जमीन में 160 ml अगर यूज कर रहा हूं, तो मेरा ये जमीन अगर कह सकते हैं सॉफ्ट बनी, भुरभुरी बनी, उसे क्या होगा, मेरे जड़ यहाँ पे अच्छे से फूल रहे हैं और अच्छे से यहाँ पे मेरा पौधा बाहर निकल रहा है। अगर ऐसा फायदा अगर मिल रहा है जमीन के अंदर तो बेनिफिट होगा आपको डेफिनेटली। अभी देखिए दोस्त, जब खरपतवार नाशक की जब बात करते हैं, खरपतवार नाशक की बात करते हैं, तो एक चीज तो शायद बहुत सारे लोगों ने जब वो खेती बाड़ी के साथ कनेक्टेड होंगे तो उनको इतना पता है कि खेती बाड़ी के साथ जब आप कनेक्टेड हो, अगर एक मैं पत्ते की बात करता हूं, अगर मान लो एक पत्ता है जिसको कीटों ने हमला कर दिया है और यहाँ पे सब कीट लगे हुए हैं, राइट, कीट लगे हुए हैं, और मैंने किसी दवाई को, मुझे किसी की दवाई बनानी थी, वो दवाई को मैंने उसको छिड़का वहां पे, राइट, वो दवाई को मैंने यहाँ पे छिड़का, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 लीटर का एक पंप लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं दवाई डालूंगा, उसका एक गोल बनाऊंगा, फिर पंप लेके जाके इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लगे हुए हैं, जो जंतु लगे हुए हैं उसको मुझे मारना है। अभी देखिए दोस्तों, अगर गोल सही ढंग से तैयार नहीं होगा तो पहले मैं जो भी डाल रहा हूँ उसके अंदर सही मिक्सर तैयार नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, ये पानी जो है, पानी जो इसके अंदर जो मैं पानी के साथ मैंने अगर दवाइयां मिक्स की है तो उसका मिक्सर सही नहीं हुआ। और दूसरी चीज, जब पानी को हल्का मैं तोड़ता नहीं हूं, पतला नहीं करता हूं, तो पानी यहाँ पे इस हिसाब से छिड़केगा। मैं स्प्रे लगाऊंगा तो पानी इस हिसाब से छिड़केगा, उससे क्या होगा, ये कुछ ऐसी कीट होगी जो बच जाएगी। और दूसरा क्या होगा, अगर ये मेरा पत्ता अगर ऐसा हिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, पानी नीचे जाएगा, राइट। इसे नेगेटिव चीजें क्या होती है दोस्त, मेरी जो दवाइयों का जो मैंने खर्च किया था वो मुझे फायदा नहीं दे रहा है, मेरे कीट कंट्रोल नहीं हो रहे, मतलब मेरा पौधा को खा रहे हैं, तो मुझे दूसरी बार फिर से दवाइयां, तीसरी बार फिर से दवाइयां, मेरा टाइम भी जा रहा है, मेरा पैसा भी जा रहा है। अभी देखो दोस्त, मैं यहाँ पे छोटा सा एक डेमो करूंगा, यहाँ पे मैं मीनाक्षी को कहूंगा सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ जाए, मैं छोटा सा एक डेमो करता हूँ यहाँ पे, कि जहां पे ये पानी का सरफेस टेंशन है ना, पृष्ठान बल जो बात करता हूं मैं, उसको समझाने के लिए मेरे हाथ में यहाँ पे पानी है, एक बीकर है, राइट, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अंदर मैं एक ऐसे पाउडर को डाल रहा हूं जिस पाउडर का पानी के साथ मिश्रण होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नॉन वेटेबल पाउडर है और एक सल्फर डस्ट है। आप सब शायद देख पा रहे होंगे, मैं यहां पर डाल रहा हूं, अरे मुझे इसका एक घोल तैयार करना है और मैं इसका एक घोल तैयार कर रहा हूं। देखिए, हो रहा है क्या घोल तैयार, नहीं, अभी इसका मैंने घोल ऐसा तैयार हुआ, अभी इसको जाके मैं छिड़क के आऊंगा, तो पहले तो घोल तैयार नहीं हुआ है, दूसरी चीज क्या हो गई, ये बूंद बूंद के माध्यम से ये छिड़केगा, जैसे ये पत्ता हिलने वाला है वो वहां पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी देखिए दोस्त, हमारी ये प्रोडक्ट जिसको हम लोग आपसा आईडी बोलते हैं, राइट, इसके अंदर मैं सिर्फ एक छोटी सी स्टिक डालता हूं हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर, जिससे एक बूंद में ले पाऊं, और इसको
मैं इसके अंदर डालूंगा, आप बहुत बड़े ध्यान से देखना इसको। घर पे बैठे बैठे आप ताली डेफिनेटली बजा सकते हो। अभी देखिए दोस्तों मैंने क्या डाला इसके अंदर, सिर्फ एक बूंद अप्सरा, सिर्फ एक बूंद अप्सरा। अभी देखिए सबसे पहला मुझे बेनिफिट क्या हुआ, गोल परफेक्टली तैयार हो गया, परफेक्ट गोल तैयार हुआ, राइट। दूसरा चीज क्या हुआ इससे, इसका बेनिफिट मुझे दूसरा क्या मिलेगा, अब ये परफेक्ट गोल तैयार होने के साथ ये इसने क्या किया, आपसा ने क्या किया, इसका सरफेस टेंशन फोर्स पानी का जीरो कर दिया, पानी को पतला कर दिया, ज्यादा गीला कर दिया, अच्छा गोल करने में हेल्प कर दी। अभी देखिए दोस्तों मेरे पास दो बीकर राइट, इसके अंदर मैंने आपसा और पाउडर डाला था, इसके अंदर ना ही आपसा डाला है ना ही पाउडर डाला है। लेकिन अभी अगर मैं हम लोग बात करते हैं, मेरे पास अगर एक पत्ता है, मैं मंथन को बोलता हूं, अगर एक पत्ता वो मंथन है सिंपल पानी के अंदर डालेगा, मेरा बेटा यहाँ पे खड़ा है वो डालेगा, और आप क्या देख पाओगे जब वो पत्ता बाहर निकलेगा तो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरे का पूरा सिर्फ कुछ बूंदे उसके ऊपर दिख रही है आपको, लेकिन पूरे का पूरा क्या है, भीगा नहीं है, राइट। अभी दूसरी जगह पे मैं यहाँ पे एक पत्ता यहाँ पे डालता हूं, बहुत बड़ा ध्यान से देखना, मैंने पत्ता डाला पानी के अंदर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मंथन थोड़ा सा नजदीक लेके आएगा। अब ये दोनों के बीच का फर्क आप देखिए, पूरा भीग चुका है, पूरा भीग चुका है, राइट। हाँ चलिए दोस्तों, ये हमारा आपसा का कमाल है। मैसेज आप नीचे चैट कर सकते हो, कैसा लगा आपको ये डेमो, एक ही बूंद इसके अंदर जैसे ही चली गई तो इमीडिएट बेस पे बेनिफिट क्या हुआ, एक बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जस्ट अ मिनट आगे जाता हूं मैं, सबसे अच्छी बात क्या होगी दूसरे से अंदर, मेरा गोल अच्छा तैयार हुआ। देखिए इसे क्या हो गया, गोल को एक साथ करके मारक क्षमता को बढ़ाता है, इसके अंदर 80% क्रियाशील तत्व है जिसके गुण बढ़ाता है, फसल की ग्रोथ नहीं रुकेगी। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं, मैं ओवरऑल मेडिसिन की बात करता हूं, तो इससे फायदा क्या होगा दोस्त, अगर मैं खरपतवार के साथ डालता हूं तो अच्छे गोल मिक्स होने के कारण क्या होगा कि जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे अगर इसको यूज करना है, लोग पूछेंगे भाई ये कितना महंगा मुझे पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ एक एकड़ की बात करूं, एक एकड़ का आपको खरपतवार मतलब वीडीसाइड्स को खत्म करना है तो एक एकड़ में मान लेते आप 7 पंप को यूज करोगे और एक पंप के अंदर 20 ml डालना है तो अगर MRP के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो 160 रुपये का आपसा 80 आपको पूरे एक एकड़ की जमीन सुधार के देगा। और अगर आप बीघा पे अगर नाप रखते हो तो एक बीघा में 4 पंप जाएगा तो 94 रुपीज में ही आपको एक अच्छा सा बेनिफिट हो जाएगा। अगर कीटनाशक की बात करते हैं, अगर कीटनाशक का गोला आपको तैयार करना है तो 15 लीटर के पंप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 5 ml डालना है, 5 ml। और 5 ml का मतलब क्या है कि हमारा जो बॉटल आपको दिखाई है वो बॉटल के ऊपर ही, मैंने से मुझे ढक्कन निकाल के तो जो ढक्कन ऊपर है वो ढक्कन की क्षमता है 20 ml की। तो अगर ये ढक्कन को अगर 1/4 करते हो तो 5 ml हो जाएगा, मतलब 1 लीटर का बॉटल मैंने लिया है तो मेरा 200 पंप तक मैं कीटनाशकों के अंदर डाल सकता हूँ। फायदा क्या होगा, गोल को एक साथ करके मारक क्षमता को बढ़ाता है, दवा पत्तों में फैलाने के साथ पत्ते से अवशोषित हो जाती है, अवशोषित का मतलब है पेनिट्रेट हो जाएगी और हर जगह पे जहां पे कोई भी छुपे हुए कीटों मतलब रिंग कटर है या गडर बिल्डर को मारता है, बार बार दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। अगर मुझे 3 बार दवा छिड़कने से मेरे अगर कीट कंट्रोल में आते थे, अभी एक ही बार में आ जाएंगे तो क्या फायदा होगा आपको, बहुत ही फायदा होगा। फफूंदी नाशक जिसको हम लोग बोलते हैं फंगीसाइड्स, जब फंगस लग जाती है तो फंगस जमीन के अंदर भी लगती है, हमारे पौधों के ऊपर भी लगती है। तो फंगस के प्रति क्या करेंगे, 15 लीटर दवा का घोल बना के उसके अंदर जो भी हम लोग दवा डालते हैं वो दवाई डालना है, मतलब जो भी फंगीसाइड डालना है वो डालना ही है, लेकिन एडिशनली 5 ml आपसा डालेंगे और तब उसका यूज करेंगे तो उसका जबरदस्त परिणाम मिलेगा हमको। और अगर आपके खेतों की जमीन के अंदर फंगस लग गई है तो आपका 100 लीटर पानी के अंदर 160 ml आपसाइडी डाल के अगर आप जमीन के अंदर जाने दोगे तो आपकी जमीन मतलब अच्छे फफूंदी नाशक को साथ डाल के, राइट, अच्छे फंगीसाइड्स को लेके 100 लीटर पानी के अंदर आप डालते हो और 160 ml आपसे आपने डाल दिया है तो उसका बहुत ही बेहतरीन फायदा आपको डेफिनेटली
होने वाला है, राइट। अभी देखे दोस्त, जब मैं सिंचाई करता हूं, मुझे पानी डालना है अपनी जमीन के अंदर, उसका फायदा क्या होने वाला है वो तो आपको पता चल गया है। लेकिन कितना डालना है मुझे, तो एक एकड़ जमीन के अंदर मुझे 160 ml अप्सरा एडी डालना पड़ेगा। एक एकड़ जमीन में 160 ml अप्सरा एडी। और जब भी आप आपकी जमीन में अप्सरा एडी डालते हो जमीन के अंदर, तो मेक श्योर 30 दिन तक उसका उतना ही इफेक्टिव परिणाम मिलेगा, 30 दिन तक। तो कुछ लोगों का सवाल हो सकते हैं कि मैंने अगर एक बार अप्सरा एडी को मैंने यूज कर लिया है मेरी जमीन के अंदर, मुझे दूसरी बार कब करना पड़ेगा? तो मैं उनको वही कहूंगा कि अगर आपने एक बार यूज किया है तो आपको 30 दिन तक फिर से आपको जमीन में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो एज इट इज उसी हिसाब से आपको परिणाम देता रहेगा जैसे कि पहले दिन देता है, राइट। अभी सिंचाई में क्या होगा दोस्त, एक एकड़ में 160 ml एप्सम को 100 लीटर पानी में गोल बनाकर खेत की जमीन पर छिड़काव कर सकते हैं आप। कहते हैं तो जब भी आपको पानी देना है उससे 8 से 10 घंटे पहले आप डालते हो तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप बोलोगे मुझे पानी में घोल के नहीं डालना है, तो आप क्या करोगे, आपके खेत में से मट्टी ले लोगे, रेत ले लोगे, सैंड ले लोगे, उसके अंदर 160 ml आपसा डाल देना, उसको मिक्स कर देना, और जैसे हम लोग खाद डाल दे राइट, उस हिसाब से जमीन के अंदर डाल देना, क्योंकि वो आपसा आपकी जमीन पे गिरी है और जब भी पानी जाएगा तो उसका बेनिफिट देगा, राइट। फायदा क्या होगा इससे, मिट्टी का पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी, पानी गहराई तक पहुंचेगा, बाष्पीकरण को कम करता है, तो पानी खेत में ज्यादा देर तक नमी बनाकर रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैंने अपने जमीन के अंदर एक उपज लेने के लिए, एक फसल लेने के लिए अगर मुझे चार बार पानी लेना पड़ रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है तो शायद 50% सिंचाई का पानी बच सकता है आपका। डिपेंड करता है आपके कौन से पैदावार को, कौन सी फसल को लेने के लिए तैयार हो उसके लिए। अभी देखो, इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला अगर कोई प्रोडक्ट हो तो क्या हमें ट्राई करना चाहिए? ऐसे ही नहीं। देखिए, कोई यूनिवर्सिटी वाले अगर उसको सही ढंग से चेक करके फिर हमें बताते हैं तो क्या उसको यूज करना चाहिए? डेफिनेटली हाँ। देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे कंपनी ने ऑफिशियली हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, तज्ञों को दिया था। उन लोगों ने उसका टेस्ट रिजल्ट दिया और फाइनली उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट कितना मिला। यहाँ मैं चावल के रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। यह अध्ययन तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर की आयोजित किया गया था। यहाँ पे इन लोगों ने हमारे उपज किसकी थी, चावल की थी, इसके परिणाम क्या है, तो ओवरऑल इसकी 40% तक उपज में वृद्धि मिली। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको 100 मन 100 केजी या फिर 10 केजी कुछ भी अगर आपको होता है उसका 40% एक्स्ट्रा, मतलब अगर 100 मन अगर आपका होता है, 100 क्विंटल होता है, तो अगर 140 क्विंटल हो जाता है तो क्या आपको फायदा होगा? इसके बाद मैं ये करूंगा, अगर इसको यूज दे करेंगे तो आपको 40% लॉस जाएगा, तो क्या आपको परवड़ेगा, मतलब वो क्या आपको मंजूर है? शायद नहीं। मैं दूसरे कुछ रिजल्ट यहाँ पे बताऊंगा ऑफिशियल रिजल्ट। गेहूं के अंदर ये अध्ययन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसके अंदर 18.7% तक की वृद्धि मिली। देखिए दोस्त, ये अच्छे से अच्छे हालात में इन लोगों ने इसका परीक्षण किया है। और ज्यादातर हम लोग तो क्या है दोस्त, गाँव में हमारे हालात कुछ भी अच्छे नहीं रखते, ऐसे ही करते जाते हैं। तो इसके अगर 18% इसको बेनिफिट मिल रहा है तो हमारे बेनिफिट कितना ज्यादा हो सकता है, राइट। हमें हमारे कुछ रियल बेनिफिट भी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्त, लोबिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, चौड़ी हम लोगों ने हमारे घर में किया है, चौड़ी, राइट, चौड़ा। अरे डॉक्टर समीर क्या बात है यार, तू चौड़ा लोबिया मतलब चौड़ा, राइट। देखो चौले की खेती लोबिया की खेती के अंदर कितना बेनिफिट यहाँ पे कहते हैं, 51.7% अधिक फसल। कितने लोग चाहेंगे यार अपनी फसल 50% से ज्यादा बन जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कृषि यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं। हाउ अबाउट दैट, राइट। कौन सी कृषि यूनिवर्सिटी आपको देख रहा है? यहाँ पे कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र द्वारा लोबिया पर किया गया परीक्षण। बताइए दोस्तों, लोगों को बताइए कितना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। सोयाबीन की खेती के अंदर सोयाबीन पर अध्ययन महात्मा फुले विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और ये क्या कहते हैं, 43% 42% तक की वृद्धि। ये रियल आंकड़े है, राइट, ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड आंकड़े है। अगर यहां पे मैं दिखाता हूं, अगर मैं प्याज की बात करता हूं तो प्याज के अंदर ये पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय में किया गया था इसका, और यहां पे 12% 5 की वृद्धि मिली। यहां पे मैं आगे दिखाता हूं,
कौन सा है, टमाटर, टमाटर को किया गया था कोयम्बतूर में, इसका परीक्षण किया गया था और यहाँ पे बताया 38% तक का मतलब बेहतरीन नियंत्रण कीटनाशकों का और फसलों की क्षति में 63.8, मतलब यहाँ पे टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रहती, कीट लगते हैं, तो ये बताया, ये रिजल्ट लिया इन लोगों ने कीटनाशक के हिसाब से, तो यहाँ पे बताया कि फसलों की क्षति में 63.8% तक की कमी दिखी कीटनाशकों से। और मुझे इतना पता है कि अगर मेरी फसल अगर अच्छे ढंग से टिकी रहेगी तो इसका मतलब ये मेरा उपज अच्छा रहेगा, और कितना उपज बताया यहाँ पे 48%। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मंथन देखा है स्क्रीन, चेक कीजिए प्लीज, किसी ने मुझे मैसेज दिया कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ओके वंडरफुल फैंटास्टिक राइट। फुल गोभी राइट, फ्लावर फ्लेवर राइट, यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है कोयम्बतूर के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में और यहाँ का रिजल्ट क्या है 31.8 तक बेहतरीन इसका नियंत्रण हुआ और उपज में 22.5% की वृद्धि हुई। कितने मजे की बात है। अगर आज बड़ी वस्तु अगर जो आज ये यहाँ पे ये आलू देखिए दोस्त, आलू राइट, औसत 19.5 क्विंटल प्रति हेक्टर की बढ़ोतरी हुई और इसका आलू पर पश्चिम बंगाल के विद्वान चंद्र कृषि विद्यालय में इसका परीक्षण किया गया था। कितना अच्छा है दोस्त। अगर आम की बात करो, हर जगह पे आम बहुत फेवरेट है लोगों के राइट, आमों पर यह परीक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर द्वारा किया गया था और यहाँ पे इन लोगों ने क्या पाया 28 दिन बाद भी मतलब जो इसके ऊपर कीट जो लगते हैं उसके नियंत्रित किया था, 84% तक के कीट नियंत्रित रहे 28 दिन तक। केले की अगर बात करें तो केले में यहाँ पे बताया है पैदावार की 9% तक बढ़ोतरी किसी जगह पे एक यूनिवर्सिटी में, दूसरी जगह पे अगर हम लोग देखें तो 23% तक की बढ़ोतरी। अभी आपको अगर 100 मन का केला होता है उसके बाद 125 मन का हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अमरूद में भी रिजल्ट है यहाँ पे राइट, अमरूद में भी रिजल्ट है, फिर अंगूर में भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके जिन्होंने आपको बोला है, अनार में भी रिजल्ट है, फिर गन्ने में भी रिजल्ट है, शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद यही फसलों के आसपास आप घूम रहे होंगे राइट, कपास में भी रिजल्ट है और कपास के रिजल्ट तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखे हमारे लोकल लेवल पे भी राइट, जो यहाँ पे आपको 90.2% की वृद्धि यहाँ पे दिखाई है राइट। तंबाकू में भी अच्छे रिजल्ट है, देन आफ्टर चाय वहां पे भी परीक्षण किया, वहां पे भी अच्छे रिजल्ट है और ऐसे रिजल्ट दोस्त हमारे इर्द गिर्द के लोग भी लेते रहते हैं दोस्त। हम लोग आपको इतना ही बताते हैं, अगर यही चीज अगर आपको मिल रही है जहां पे अगर आपको एक कीटनाशक अगर पंप के अंदर 15 लीटर पंप में डालना है तो सिर्फ 5 रुपये का आपको बनेगा, सिर्फ 5 रुपये का। अगर आपको जमीन अगर आपको आपकी जमीन का क्वालिटी चेंज करना है, अच्छा करना है तो वो आपको पड़ता है 140 रुपीज में, 140 रुपया, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको एमआरपी में। अगर कुछ खेडूत मित्र यहाँ पे अगर आप इसको डिस्काउंट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो इसका एक यहाँ पे सॉल्यूशन भी है जो व्यक्ति आपको बताएंगे, ये बताए वो लोग आपको सिखा देंगे राइट। यहाँ पे ये कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ जिन लोगों को गुजराती समझ में नहीं आती है लेकिन ये गुजराती में वीडियो है राइट। ये भाई साहब जो बोलते मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बाद में आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते देखो कुछ किसान है जिनको ये बेनिफिट हुआ है, आप बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना। नाम है आपने? मारू नाम रावल दिलीप भाई सोमा भाई, गाम कलोली। बराबर है, आपने कितना वर्षों से खेती करो जो काका? छेल्ला 20 वर्ष से खेती करूँ छू अने आ साल में आ जे आपसा एटी दवा नो उपयोग कर्यो एटले हूँ पहली बार मैं आवी मारी मारा खेतर में पहली बार मैं डांगर आवी जोई एम। बराबर है, तो आपने जे आपसा एटी दवा जे तमे नाखी खेतर नी अंदर तो એને લીધે ઉત્પાદન તમને કેવું મળ્યું? ઘણું સારું ઉત્પાદન મળ્યું? ઘણું સારું એટલે મારા ખેતરમાંથી એક વીઘામાં 80-85 મણ ડાંગર નીકળશે અને જ્યારે આ દવાનો ઉપયોગ નહોતો કરતો ત્યારે મારા 40-45 મણ ડાંગર નીકળતી હતી। બરાબર છે, તો આપને આપસા એટી દવા કેવી આમ અનુકૂળ કેવી લાગે, સારી છે આ દવા? ચલો સો ઇસકો મેં થોડા સા હિન્દી જો સમજે ઉનકે લિયે બતા દો। इन्होंने बताया कि उनके खेतों के अंदर जो पैदावार है एक बीघा की बात की, पहले 40 मन के आसपास होता था, 40 मन, 1 मन इज इक्वल 20 केजी, मतलब 40 होता था, वहां पे वो 80-85 मन, मतलब कहीं कहीं इन्होंने बताया इनके बताने के हिसाब से डबल उनकी पैदावार हुई। कितना अच्छा है दोस्त, डबल पैदावार हुई रे। आगे कुछ देखते हैं हम यहाँ पे कुछ और हमारे रिजल्ट राइट।
यहाँ पे कुछ हमारे रेगुलर जो ये वीडियो और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, आपके कोई भी क्वेश्चंस आंसर हम लोग करेंगे लास्ट में, राइट। अभी आप क्वेश्चन मत डालिए प्लीज, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है सबको हम लोग लास्ट में करेंगे। यहाँ पे एक वीडियो और देख लेते हैं। बेंसु नाम से तुम्हारा? नसीम बीबी। तुम्हारा भाई? शरीफर। शरीफ। और गांव आपड़ू? बारेजा। कितना वर्ष से तुम्हें खेती करो? लगभग 14 वर्ष थी रहिए छे, पर 4 वर्ष थी हमें खेती करता था, पर आ वेबसाइट नता वापरता, पर या वापर्या पछी अमने 850-850 मन डांगर नो उतारो आपे छे। પહેલાં નહોતા વાપરતા, તો 400-450 મણનો ઉતારો હતો, પણ ફરી અમે આ વાપરતા થયા તો 800-850 મણનો ઉતારો, અમે બે માણસો થઈને ખેતી કરીએ છીએ 12 વીઘામાં। હા, 12 વીઘા। 12 વીઘામાં 450 નીકળતું હતું, 450 નીકળતું હતું, પણ ફરી અમે આ વેબસાઇટ વાપરતા થયા તો 850 મણ ડાંગરનો ઉતારો નીકળતો થઈ ગયો। ચલો સરસ, આભાર। इनका कहना ऐसा है, वो डांगर मतलब वंस अगेन चावल की खेती करते हैं, और इन्होंने ये बताया कि रेगुलर लेवल पे अगर इनका खेत में पहले अराउंड 400-450 मन डांगर लेते थे, अभी उनका कहना है कि 800-850, मतलब जस्ट नियर टू डबल ये बेनिफिट ले रहे हैं। और बहुत इनोसेंटली इन्होंने बताया, राइट, कि दोनों काम करते हैं खेतों में, और 12 वीघा उनकी खेती है, जहां पे पहले 400 के मन होता था, अभी वहां पे 800-850 मन होगा, राइट। या फिर दूसरा हमारे एक वीडियो देखते हैं। छोटा उदयपुर गांव वसैडी नो कांति भाई मारू नाम छे, अने हूँ गया वर्षे दिवेला कर्या था तो 60-70 मन निकल्या था, अने आ वर्षे मारी धारणा छे के 120-140 मन दिवेला निकलशे। तो मारा खेडूत भाई ने जे विनंती के जे मने जे आ अपसाइट वापरवाथी जो आटलू बधु उत्पादन मळतु होय तो तमे पण अपसाइड वापरो अने वापरो अने वधारे उत्पादन मेळवो, एज मारो केवू छे। देखो दोस्तों, ये हमारे कोई ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है, राइट, ये इनोसेंट हमारे फार्मर्स दोस्त है जिन लोगों ने अपसाइडी का यूज किया और जिसके रिजल्ट उन लोगों ने पाए, राइट। कितने इनोसेंटली उन्होंने बताया कि आई थिंक जहां पे उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले, और कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स है, राइट। आई होप इफ आई कैन मैं बता सकता हूं आपको। स्क्रीन पहले हटाना पड़ेगा मेरा। तो दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक आपने जो रिजल्ट्स देखे दैट वाज ऑफिशियली प्रूवन रिजल्ट्स जो थे वो कंपनी के हिसाब से थे। दूसरे कुछ रिजल्ट्स देखे जो हमारे लोकल लीडर्स लोगों ने जिनको दिया उनके अच्छे रिजल्ट दिखे, और लास्ट में यहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। आई थिंक स्क्रीन पर पे काइंड प्रोड्यूसर, छोटा सा टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड है, हिलिए मत प्लीज, बैठे रहिए शांति से। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब ये आपसा एटी हमारा जो है वो हमने मतलब केले बनाना में भी उसका यूज किया है, यहाँ पे मिर्ची में भी अच्छे रिजल्ट लिए है, टमाटर में, ये हमारे लोकल, राइट, वो कंपनी के रिजल्ट थे जहाँ पे कंपनी ने दिया था गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी को, और वहां पे उनको रिजल्ट दिखे थे। ये हमारे लोकल लेवल के लीडर्स को रिजल्ट्स मिले हैं जिन लोगों ने यूज किए, फार्मर्स को दिया, ये इनका मिर्ची के अंदर, राइट, ग्रीन मिर्ची कहते हैं, कैप्सिकम कहते हैं उसके, देखो इसे अच्छी साइज है, और साइज दिखाई है, ये बैंगन है, ये अगेन एक बैंगन है जो बहुत ही अच्छा बड़ा हुआ था, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका नाम है परेश भाई चौहान, राइट, उनका फोटो और मेरा फोटो है, आई होप आप देख सकते हो, ये उनके खेत के अंदर से लेके आए थे। फिर तुअर आप देख सकते हो, उसका भी अच्छा फसल है, ये उनके ही खेत की फसल है, वो लेके आए थे हमारे लिए, राइट, और हमने फिर सब्जी बनाई थी मीनाक्षी नगर पे, राइट, ये अच्छी छोटी छोटी जो भी है, मान लो ये देख रहे मक्का की खेती है, इंस्पायर्ड बाय दिस पिक्चर हम लोगों ने भी हमारे खेत में मक्का किया और बहुत अच्छा हुआ है अभी एट प्रेजेंट। अभी देखिए दोस्तों, रेगुलर मक्का के ऊपर जो भुट्टा लगता है, राइट, जैसे डोड़ो कही है आपने, मैक्सिमम एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे ढंग के और कितने ज्यादा हो रहे हैं, राइट, तो क्या इसका फायदा आपको भी लेना चाहिए, राइट। ये अगेन ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये खेती बाड़ी के सज्जन भाई वीरपुर करके हमारे लुनावाड़ा के पास में एक गांव है, वहां के है ये, उन लोगों ने अच्छा रिजल्ट लिया था, इन्होंने रिजल्ट लिया है, इवन पोटेटो के अंदर, आलू के अंदर, ये यहाँ पे उन्होंने कांदे में रिजल्ट लिया है,
राइट, ये ऑफिशियली हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स या फिर किसी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं जिनके साथ हम लोग ये काम करते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। राइट, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये देखो तो ये हमारे डॉक्टर मित्र है उनके वहां पे इसके बाद राइट इससे इतने बड़े बड़े कहते थे हमारे सक्करिया, राइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटेटो, राइट, इतने अच्छे रिजल्ट है हमारे। अगेन दूसरे हमारे बहुत ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है और ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर दिलीप सोलंकी, उनके वहां पे कपास के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिला है इनको। ये भिंडी के अंदर अच्छा रिजल्ट है जहाँ पे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और बहुत इसकी पैदाइश निकलती है। राइट, यहाँ पे हमारे देखते हैं ये हमारे हृदयकांत जी है, इनको रिजल्ट मिला है बाजरा में जहाँ पे वो खड़े वहां पे आपसा नहीं दिया था और जहाँ पे वो खड़े वहां पे आपसा वाला है। ये फूलों के बागों में, कैरी में, मैंगो में, आम में, ये हर जगह भी अगर आप देखोगे, तंबाकू में, इवन मतलब बोर जिस बेरी के अंदर, राइट, उसके अंदर भी पपाया देन आपसा रिजल्ट डांगर, राइट, मतलब कहते हैं पैडी, दैट इज अवर डांगर। खेतों के अंदर हमारे वापी के आसपास जो खेत डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स है, राइट, आई थिंक नीलेश भाई है जो उनके खुद के खेतों में, खुद डॉक्टर है लेकिन उनके खेतों के अंदर आप देखते हो कितने अच्छे ढंग की डांगर हुई है। राइट, यहाँ पे आप देखते हो कपास, यहाँ पे आप देखते हो डांगर, अगेन ये सब जो रिजल्ट है जो ऑफिशियली हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स ने लिए। दाड़म के अंदर, राइट, अनार के अंदर ये रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देता है और ये मैंगो और ये यहाँ नींबू है और नींबू के साथ साथ यहाँ पे आगे जाके देखते हैं चीकू और ये सब चीजों पे हम लोगों ने रिजल्ट ले रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये पूरी की पूरी चीज अगर मैं आपको दिखाता हूं तो अल्टीमेटली ये तीन क्वांटिटी में ये कंपनी ने निकाली है, तीन क्वांटिटी। सबसे पहले 500 ml, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 500 ml, दूसरी एक लीटर और ये 5 लीटर। अब यहाँ पे हम लोग MRP की भी बात करेंगे, अगर मैं 500 ml की लेने जाता हूँ 500 ml तो ये मुझे बनेगी 726 MRP, 726 रुपया MRP। इसको आप स्पेशल डिस्काउंट रेट पे लेना चाहते हो तो आप कंपनी का स्पेशल लाइसेंस नंबर ले सकते हो और उसका एक आपको स्पेशल बेनिफिट मिल सकता है और ये बेनिफिट आपको वो व्यक्ति आपको दिला पाएगा जो व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है। राइट, अगर आप पहली बार यहाँ पे जुड़े हो, अगर मैं लीटर लेना चाहता हूँ वो मुझे 1183 वो सस्ती पड़ेगी ज्यादा, अगर मैं लीटर लेता हूँ तो वो 1183 MRP पड़ेगी और अगर मैं 5 लीटर लेता हूँ तो मुझे 5045 वो काफी सस्ती पड़ेगी। ज्यादातर हमारे लोग इसको शुरुआत करते हैं 500 ml से टू ट्राई और फिर चले जाते हैं लीटर और 5 लीटर पे। और मुझे इतना पता है दोस्तों, अभी ये बहुत ही अच्छी सीजन आ चुकी है खेती बाड़ी की, इसी टाइम को आप राइट वे पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो इसको जल्दी से जल्दी मंगा के आप इसका यूज कर लीजिए, बहुत ही जल्दी मंगा के, लेट मत कीजिए। क्योंकि अगर आज आपने इंफॉर्मेशन लिया है, अगर आप कोई हो जो ऑलरेडी इस बिजनेस से जुड़े हुए हो और आपने आज तक इसको यूज नहीं किया तो यू शुड बी द फर्स्ट वन कि आपको जल्दी से यूज कर लेना चाहिए। राइट, और धीरे धीरे करते करते इसका यूज करते करते हमारे खेतों में छोटे मोटे खेत है हमारे पास, उसके अंदर बहुत अच्छी पैदावार आती है और जो देख देख के लोग लेने आते हैं और ये हमारे ट्रेडिशनल लेवल पे कंपनी के जो फायदे थे वो भी हमने आपको बताए। लेकिन कुछ ऐसे फायदे तो हम लोगों ने देखे, मेरा गांव, मेरा अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरा टाउन प्लेस है, होम टाउन प्लेस, यानी लूनावाड़ा महिसा का डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहां पे मैं खड़ा हूँ और हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे कहते हैं ना लुकर बूंद, उसकी थोड़ी ज्यादा ही परेशानी है लोगों को, हमारे खेती बाड़ी जो आज अड़ोस पड़ोस में जो लोग करते हैं उनको। तो हम लोगों ने ये भी पाया है कि अगर हमारे जमीन के अंदर ये अगर आपसा 80 का अगर छिड़काव किया हुआ है तो हमारी फसलें ज्यादातर बच जाती है, गॉड नोस क्यों, लेकिन ये भी एक अच्छा फायदा हमें मिला है और हमारे फार्मर्स लेते रहे। तो मैं क्या कह सकता हूँ दोस्त, विद दैट अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट अगर हमारे खेतीबाड़ी करने वाले भाइयों को अगर मिलती है तो क्या उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आ सकता है? डेफिनेटली हाँ। अभी हालत उनकी क्या हो चुकी है दोस्त, छोटी जमीन, उसके अंदर दिक्कतें ज्यादा, खर्चे ज्यादा और यही कहते हैं दोस्त कि दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है। अगर हमारे दादा के पास अगर 100 बीघा जमीन थी और उनके अगर 2 ही बेटे हैं, जो कि पहले बेटे ज्यादा हुआ करते थे लेकिन इनके सिर्फ 2 ही बेटे हैं तो भी दोनों के पार्ट में कितनी कितनी आएगी, 50-50 50-50 बीघा,
अगर उनके दो दो बेटे हैं तो कितनी आएगी उनके पास, 25-25 बीघा। एक ऐसा टाइम था जब 100 बीघा पे उनका पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन होता था, फिर क्या हो गया 50, फिर क्या हो गया 25। और जब जब भी दोस्त हमारी जमीन बढ़ती है तो बंटवारे के कारण बीच में क्या आता है, एक दीवार बनती है जिसको लोग सेड़ा बोलते हैं, एक एक डिवाइडर बोलते हैं। और उससे क्या होता है दोस्त, धीरे धीरे करते करते हमारा पूरा जमीन का दोस्त पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमारा जमीन खत्म होती जाती है। ऐसे टाइम पे अगर हम लोग अगर इसको देवे हमारे खेतीबाड़ी वाले भाइयों को, और छोटी जमीन में अगर छोटा खर्च में अगर ज्यादा उनको बेनिफिट मिले तो फायदा रहेगा। कैसा लगता है आपको, देना चाहिए सबको, सबको बताना चाहिए। ये हम लोग कमिटमेंट लेते हैं, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर आप नए हो पहली बार अगर कनेक्टेड हो फिर भी मैं आपको कहता हूँ दोस्त, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए और जितने भी लोगों को आप जानते हो उनको दे दीजिए। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को अगर आप बताना चाहता हूँ मैं दोस्त, यही प्रोडक्ट के ऊपर लोग सिल्वर जाते हैं, यही प्रोडक्ट के ऊपर लोग गोल्ड जाते हैं, यही प्रोडक्ट के ऊपर लोग प्लेटिनम तक गए हैं। हमारी इस बिजनेस की शुरुआत सिर्फ आपसा 80 से हुई थी, और अभी हम लोग मैं और मीनाक्षी इस बिजनेस में एमरल्ड्स है। हम लोग इस बीच एमराल्ड तक गए उसी एरिया से, फिर डायमंड गए बड़ौदा जाके, फिर हम लोग ईडीसी गए अहमदाबाद जाके। सबसे इंपोर्टेंट रोल शुरुआत के लेवल पे हमारे बिजनेस में किस प्रोडक्ट का था, अपसा 80 अप टू एमराल्ड, मैं रियली बताऊं अप टू एमराल्ड। और अभी भी हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा पोर्शन जो भी है वो अपसा ही है, कहीं ना कहीं जाके दोस्त हम इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो दोस्त। तो मैं यहाँ पे अपनी बातें खत्म करता हूँ, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो हमारे चैट बॉक्स में नीचे आप टाइप करके डाल सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हो, शायद जितना मैं बता पाऊंगा आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लास्ट में आपके क्वेश्चन खत्म होने के साथ हमारे यहाँ पे कंपनी के अपसा ट्रेनर जिनके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग लेते रहते इस बिजनेस में बहुत आगे निकल चुके हैं, वो भी कनेक्टेड है हमारे साथ यहाँ पे। तो मैं लास्ट में उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम को एक अच्छा मैसेज देने के लिए वो भी स्क्रीन पे आएंगे, राइट? अगर आपका कोई मैसेज है, आपका कोई सॉरी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आपका क्वेश्चन नीचे डालिए। मुझे जितना आता है डेफिनेटली वो क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। और बाकी हमारे पास हमारे अपसा ट्रेनर इस कंपनी के जो बाकी सभी लोगों के चहेते हैं, जो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको मैं लास्ट में स्क्रीन पे बुलाने वाला हूँ, जो कुछ अच्छी बातें करेंगे, फिर हम लोग अपना सेशन खत्म करेंगे। सर पाउडर का नाम क्या है, किसी ने मुझे पूछा है सर पाउडर का नाम क्या है। पाउडर जो मैंने डेमो के लिए यूज किया है वो सल्फर डस्ट है, और जब आप किसी भी एग्रो सेंटर पे जाते हो तो उनको बोलने का सल्फर डस्ट चाहिए, और स्पेसिफिक आप बोलना नॉन वेटेबल, राइट? वेटेबल नॉन वेटेबल दोनों आते हैं, आपको डेमो के लिए कौन सा चाहिए, नॉन वेटेबल चाहिए तो इफेक्टिव डेमो आप कर पाओगे, राइट? दूसरा क्वेश्चन है सर प्लीज शेयर आपसा 80 रिजल्ट स्पीक्स टू अस, डेफिनेटली जिग्नेश भाई हम आपको शेयर कर देंगे। अक्षय त्रिवेदी 100 लीटर की जगह वधारे पानी आपवू पड़े तो आपसा एक एकर में 160 ml જ વાપરવું જોઈએ કે વધારે। अगर एकर के हिसाब से अक्षय भाई आपको अगर यूज करना है, एक एकर में आप पानी कितना भी डाल रहे हो, लेकिन एक एकर में पानी कितना भी हो लेकिन हमारा आपसा 160 ml ही रहेगा, राइट? थैंक यू। क्राउन विशाल 80% नाम थी पण पाउडर बल से, राइट? ओके फाइन, आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन हमारे आपसा 80 के साथ अगर कनेक्ट होते हो तो 80% क्रियाशील तत्व है, हमें आपसा 80 के उस हिसाब से प्रमोट करते हैं। बारिश में पानी की मात्रा खेत में ज्यादा होता है वहां कैसे फायदेमंद रहेगा, बारिश में पानी की मात्रा खेत के अंदर कुछ ज्यादा ही है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुछ जो गीली मिट्टी नहीं है वैसा आपके एक कलेक्ट कर लीजिए, आपके एक बर्तन के अंदर उसके अंदर आपसा डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, आप डाल दीजिए आपके खेतों के अंदर। वो पानी जो ज्यादा भरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी किसी जगह में भरा रहता है तो हमारा वो पौधे को नुकसान करता है, तो आप आपसा डाल दीजिए वहां पे वो मिट्टी के साथ, तो पानी जल्दी से नीचे चला जाएगा, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका पौधा बच जाएगा। आपसा पिक शेयर मोकल जो, हाँ डेफिनेटली आपको भेजेंगे। आई होप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है जो जितनी भी बात मैंने आपको की वो सब आपके समझ में आ गई है। यहाँ पे हमारे पास हमारे आपसा गुजरात ट्रेनर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू गोविंद भाई हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और अगर आप यहाँ पे हो स्क्रीन पे तो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन, मैंने आपको कोच बना दिया है। ओके, हाय गुड इवनिंग रवि सर, एंड हाय गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल नाउ?
तो हेलो हेलो एवरीवन, मैं सर गोविंद ठाकुर और मैं गुजरात देखता हूँ एफसा ट्रेनिंग के लिए पिछले 8 सालों से, और मेरा तजुर्बा यही कहता है कि प्रवीण पटेलिया जैसे जो हमारे पास लीडर है, सो ही हैज अ ग्रेट रेफरेंस पॉइंट ऑन इंटीग्रेटिव परसिस्टेंसी एंड पर्सिस्टेंसी. सो ही इज अ ऑसन ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर द टॉपिक ऑफ वेबसाइट. ही हैज अ वंडरफुल नॉलेज फॉर वेबसाइट. एंड सो फाइनली आई कैन से दैट आप वेबसाइट को लेकर बहुत ही हाई टाइम. हम बारिश ने हम देखे 30% बारिश पूरे भारतवर्ष में हो चुकी है, हमारे गुजरात में भी 30% बारिश हो चुकी है, और दिस हाई टाइम एप्सा को रिकमेंड प्रमोट करने के लिए हाई टाइम है. जनरली ये जो सीजन है वो बारिश का मौसम है, और वर्षा ऋतु में एप्सा आईटी को हम प्रमोट कर सकते हैं, और जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो 1 घंटे के अंदर बहुत सारा कुछ नॉलेज आपको मिल चुका है, और ऐसे ही आपके बिजनेस को एप्सा आईटी स्टेबल कर देगा. आप कहीं भी जाओगे, आप किसान को पाओगे, आप ये एप्सा आईटी इज एंट्री गेट फॉर बिजनेस. गाँव में एंट्री गेट की तरह है, वैसे जाए माना जाए तो हम कहीं भी गाँव में जाए तो आप किसान को पाओगे, और वेबसाइट आपको इजीली रिकमेंड कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हैं, और वेबसाइट आपके बिजनेस को स्टेबल कर देगा. और आप यू आर द लकी गाइस, आपके बिजनेस में एक वेबसाइट जैसी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है. ये यही छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, मेरा तजुर्बा यही कहता है 3000 गाँव घूम के कि मैंने कई जगह ऐसी पाई है जहाँ पे वेबसाइट किसानों को चाहिए लेकिन ऑन टाइम पे वेबसाइट देने वाला कोई नहीं है. मतलब वेबसाइट हर जगह फैला हुआ है, आपके गाँव में भी हो सकता है, शायद ऐसे किसान ऐसे भी ऐसे कई किसान होंगे जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन शायद हम ये भी उसको नहीं पता होगा. सो और फाइनली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई हमारे बिजनेस से कोई सिटी से बिलोंग करता है कि जनरली कोई एग्रीकल्चर से बिलोंग ना करता हो, शायद कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, जो लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करता है तो उनपे एक हेजिटेशन रहता है कि हम तो एग्रीकल्चर में कुछ जानते नहीं है. लेकिन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है. इट डजंट मैटर हाउ मच यू नो इन एग्रीकल्चर, इट मैटर इज हाउ मच यू नो इन एफसीआईटी. सो एफसीआईटी को आप अच्छी तरह से जान लीजिए, और एफसीआईटी जानने से आपको इजिली सो फाइनली ये कह सकते हैं कि नथिंग रियली हैपेंस हैपेंस अंटिल यू मूव. जब तक आप नहीं बाहर जाओगे कुछ भी कुछ होगा नहीं. सो आई इनवाइट यू टू गो आउट, गेट आउट ऑफ योर ऑफिस एंड होम एंड गो सर्कुलेट इन फार्म्स एंड विलेजेस. सो फाइनली आई कैन से दैट कि ये हम जहाँ जितना बाहर घूमेंगे बेसिक नॉलेज उतना बढ़ता जाएगा, वेबसाइट के बारे में नॉलेज भी उतना बढ़ता जाएगा, और वेबसाइट इजिली प्रमोट आप कर पाओगे. एंड गांव में ज्यादातर घूमने से ये हॉस्पिटलिटी ज्यादा आज भी पाई जाती है. हम गांव में यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड. हमारे गांव में आज भी पाई जाती है अतिथि देव भव की तरह आपको पूछेंगे. ऐसे ही वेबसाइट के बारे में जानकारी देने से आप ज्यादा नॉलेज तो बढ़ेगा लेकिन आपके बिजनेस को भी ये स्टेबल कर देगा. और सामने जैसे बताया कि वेबसाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने के बावजूद और आपने आपके बिजनेस को स्टेबल कर देता है. और कई ऐसे लीडर्स हमने आए हैं जैसे प्रवीण सर है, इवन परसोत्तम सुतार आपने नाम सुना होगा, भरत बल्लार हमारे गुजरात में नाम सुना होगा. ऐसे कई लीडर है जिन्होंने वेबसाइट पे काम शुरू किया और आज कई ऐसे एयरले स्ट्रिप मतलब धोती पहन के भी वो जो धोती पहनते थे एक किसान के जरिए वो अफसा का बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन एमबीए ज्वाइन किया एंड देन उन्होंने दो से तीन कंट्रीज वो एलएस ट्रिप के जरिए घूम के आकर यहाँ बैठे. मतलब वेबसाइट कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं, दिस इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. सो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इससे थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है. जून महीने से लेकर देखा जाए तो मार्च महीने तक आपका बिजनेस स्टेबल कर देगा. जहां पानी की कमी है वहां जून महीने से लेके मार्च महीने तक, और जहां ग्रीष्मकालीन फसलें पाई जाती है वहां सभी जगह एफसीआईटी को प्रमोट किया जा सकता है. और जनरली हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद से लेके वापी तक यहां सभी जगह पानी की कोई कमी नहीं है. शायद सौराष्ट्र में ऐसे मई महीने में और अप्रैल महीने में यह थोड़ी कमी रहती है लेकिन मध्य गुजरात में थोड़ी कमी है, लेकिन नर्मदा कैनाल के आने से उसको वो भी कमी अब चल गई है. सो सभी जगह गुजरात ऑल ओवर द गुजरात यू कैन प्रमोट एप्सा इन द होल ईयर. मतलब पूरे साल तक वेबसाइट को आप प्रमोट कर सकते हो, और वेबसाइट का ज्यादा नॉलेज देने की मुझे जरूरत नहीं है. जैसे प्रवीण सर ने बताया, इज अ ऑसन ऑफ नॉलेज इन टॉपिक ऑफ वेबसाइट. सो मैं भी ऐसे जुड़ता रहूंगा. कंपनी की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा वो फाइनली मैं बता देता हूँ कि आपको ऐसे जूम सेशन के जरिए जुड़ने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं जानते, 50, 60 या 100 के जितने किसान एक गाँव में इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन हमें वेबसाइट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो वहाँ कंपनी आपको एफसा ट्रेनर प्रोवाइड करेगी. और एफसा ट्रेनर प्रोवाइड करने से क्या होता है, वहां जाकर आपको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपके बजाय एफसा ट्रेनर देगा और आपका बिजनेस भी उससे बढ़ेगा. इवन एमवे से लिफलेट मिल जाएंगे, एमवे स्टोर से
क्राइटेरिया बेस इवेंट आता है हमारा एप्सा ऑन व्हील, और ये क्राइटेरिया बेस इवेंट का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो ये सभी चीजें कंपनी सपोर्ट करती है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आप रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। एप्सा हमें करना है तो कंपनी विल प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज लाइक एप्सा ट्रेनिंग, इवन जूम सेशन और इवन द लीफलेट लिटरेचर ऑल्सो। सो मैं यही फाइनली कहना चाहूंगा, जुड़ जाइए और ज्यादा वक्त न गवाते हुए एप्सा में एक हाई टाइम है, ये सीजन है एप्सा का और इसी से शुरुआत कर सकते हैं आप। सभी जगह बुआई हो चुकी है, जनरली वैसे देखा जाए तो उतनी बारिश हो चुकी है, धान की खेती बाड़ी भी शुरू हो तो धान की बुआई भी शुरू हो चुकी है, इवन कॉटन की बुआई ऑलरेडी हो चुकी है और मक्के की बुआई हो चुकी है और बाजरे की, सभी जगह मतलब यानी कि वेजिटेबल जो है वो धीरे धीरे होता जाएगा। सो सभी तरह की बुआई सभी जगह हो चुकी है। हम देख रहे तो 90% तक की, 80-90% तक की बुआई सभी गुजरात में, पूरे होल गुजरात में ये हो चुकी है। सो कहीं भी जाओ आप, एप्सा आईटी को आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, यू विल गेट डेफिनेटली अ बेटर रिजल्ट राइट नाउ सो इन एप्सा आईटी। तो ओवर टू प्रवीण सर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच गोविंद भाई, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको तो सर वन सेकेंड मैं याद दिलाऊं कि कहीं पे भी आपको फिजिकल लेवल पे भी गोविंद भाई की जरूरत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर अपलाइन प्लेटिनम, वो उनके थ्रू आप शायद अभी बाहर मूव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी पता है ऐसे माहौल में भी अभी पिछले वीक में ही गोविंद भाई हमारे टीम के साथ डीसा और उस बिल्ली और उस साइड सब जगह पे गए थे। और डेफिनेटली गोविंद भाई बहुत ही अच्छा बताया, आपसा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आप कहीं पे भी डेमो करने जाओ तो आपका खाना का खाने का भी बंदोबस्त हो ही जाता है, क्योंकि हमारे गांव के फार्मर्स लोग हमारे वो दिल से बंधे हुए रहते हैं, राइट। आप जाओगे एज ए पर्सन कि आप ट्रेनर के हिसाब से जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से जाते हो, लेकिन ये सब फायदा आपको रहता है। मजा आता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, डेफिनेटली आप सबको भी मजा आता होगा। हम शुरू किए थे इस बिजनेस को बिल्ड करने का मजा इसीलिए आता था कि लोगों को मिलना है, उनकी हेल्थ चेंज करनी है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ चेंज करनी है, उनके खेती बाड़ी में अच्छा कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तब हमें मन लगता है कि यार हम लोग सही काम कर रहे हैं, राइट। गलतियां भी शुरू शुरू में होती थी लोगों को आपसा यूज करने में, उससे मजा भी आता था और दिक्कतें भी आती थी, लेकिन अभी लोग इतने अवेयर हो चुके हैं तो अभी हर जगह पे इसकी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप आज पहली बार थे यहाँ पे और अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं था तो आज आपने सुन लिया है, आज आपने रिजल्ट्स भी देख लिए है यहाँ पे, आपने हमारे ट्रेनर्स की भी बात सुन ली, तो मैं इतना कहता हूँ दोस्त एक ट्राई जरूर कर लीजिए बहुत जल्दी आप साइटी को परचेस करके, राइट। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं मैसेज देता हूँ, ये पीपीटी जो आज मैंने दिखाई वो थोड़ा सा हम लोग उसको मॉडिफाई करके बहुत सही ढंग से बना के विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज शायद ये आपको दे सकते हैं, सो देट आप रूटीन वे पे किसी को सही ढंग से बता दोगे, राइट। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, खास करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो डेफिनेटली, लेकिन हमारे गेस्ट लोग जो जुड़े यहाँ पे मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ हमारे टीम के अंदर, दैट इज एमवे फैमिलीज के अंदर, और एक चाहता हूँ कि आप हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और वेल्दी बने विद आप साइटी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लीज टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।